टाइम बज रहे है 12 और हम मेयर नीचे भी कहीं गए थे तो बाबू का दूध ख़त्म हो रहा है तो एकदम पता लगी वो वहाँ डिवाइन हॉस्पिटल गया तो वहाँ जगह भी ख़त्म हो रहा है तो अब मैं मुखर्जी नगर यहाँ मिल गया है दिखाता हूँ मैं आपको। जय बाबा। तो भाई यहाँ पे दुकान खोली मिली थी मुखर्जी नगर और ये रहा बाबू का दूध। और मैं तो मोटरसाइकिल पे आया हूँ, संगम यार का संगम यार मिल जाएगा वहाँ मिल रहा, तो अभी मुखर्जी नगर आया हूँ तो चलते हैं भैया। 12 बज रही है अन्नी दूध न मिलता तो दिक्कत हो जाती बाबू को। जय बाबा। गाइस मैं आ गया हूँ घर और मोटी रोटी खाती मिली मुझे, मोटी है तो बाइक पे मज़ा आया था रात को, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इतनी भीड़ हो रही है मुखर्जी नगर में इस टाइम भी, सारा स्टूडेंट एरिया है तो बाबू के लिए जाना जरूर हो क्योंकि बाबू का हाँ वो वाला बाबू सो गया अभी, अभी थोड़ी देर में जगने वाली है बस फिर जगेगी। और बताओ क्या मौज आ रही है, और इस ब्लॉग में बताऊंगा मैं आज आपको मेरी और प्रेरणा की इनकम कितनी है। ओके बॉस, तो अभी बताते थोड़ी देर में। जय बाबा की। देखो ये रोटी कैसे खाती है, काय कैसे खाती है यू, कौन सा लीची वाला, मैं लीची आग से खाती हूं, लीची वाले जूस का मैं यहां रोटी खाती हूं, लीची वाले जूस का रोटी। गाइस ये देखो कैसे रोटी खाती है, देखो गाइस ओ हो हो यहां से खा रही हूं मैं, देख चबा रही हूं लीची के जूस से तो रोटी खावा है, कभी कोकते है कभी कायते है, इसको खाने का तरीका ही अलग है भाई। गरीब आदमी ना, ये अमीर आदमी खावे जूस वो संता है। क्या मौज आ रही है, यूके लग रहा हूँ लाल लाल सो रहा हूँ, किसने मारी सब मारी अच्छा मम्मी ने मुंह देख के जब बना रही है बाबू तो सो रही है। बाबू देख लो तेरे पापा रात को गया है तेरे मारा दूध लेना है, देख ले बेटा लद्दाख सुला है वो तो बुखर जी नगर रात को डर और लगे ट्रक चला है डर लगे और मैं 6 बार जाके लिया, अरे वैसे डर लगता मोटरसाइकिल पे डर लगे कोई उड़ा दे, मैं ऐसे क्यों बोलो तुम कैसी बात करो, यू हैप्पी फिश से नवा दूं तुम्हें उनकी बात मत करेगी देखो अभी मशीन आई है नई और हम रात को बना रहे जूस मैंगो उसको बनाना से। हाँ गाइस ये पम्मी की मैंगो है और ये प्रेरणा जी जूस बना रही है, इतनी तमीज से मत बोले करो मुझसे, ये प्रेरणा मेरे को जूस बना रही है ना, प्रेरणा जी ने बोला स्वाद सुना, वो तो मैं वैसे कह रहा हूं यार मगर देखो प्यार से बोल रहे हो, वो तो मैं देख रहा हूं वो कहां गए, मेरे को ऐसे लग रहा है कि पता ना आज मेरे प्राण भी मान सके, हां बस और हमारी रसोई में घोच बना पड़ा होगा, पति घोच बस आज सुबह होएगी साहब घोच बना पड़ा, और अभी हमारा वो लग रहा है इन्वर्टर ये रखा है ये रखो मुझे तो पीना होगा ना, तो मैं अपना इसमें प्रोटीन और मम्मी पकड़ी मम्मी लाली देख ला ली देगी मम्मी, मैं इसमें अपना प्रोटीन गेल लूं भाई पिएंगे काल उसको निकाल दूंगा एक गिलास है ना, चलिए पता क्या हुआ अभी ना रात के बज रहे एक बाबू यही सुस्कार रही तो इसके हाथ में टॉयलेट कर दिया बाबू ने। हाँ भाई कैसा लग रहा है, अमृत है अमृत है, ले इसमें डाल दे फिर ले यार तुम सुस्ती पीजो रात को ऐसे ऐसे करते रहे हम, अभी सोती ना अभी जग गई, अभी पूरी रात जगेगी 4-5 बजे तक, मतलब ये क्या हरकत थी, मम्मा कपड़े चेंज कर रही थी और अभी आने पॉटी कर दी, मैं भी तो कह रहा हूँ बदबूशी आ रही है ऐसे मत बोलो कि पॉटी में खुशबू आ वो तो पहले लिकाड़ दे भाई, हाँ ये बंद करो पहले और दूँ, हाँ रुक जाओ नहीं नहीं अभी मैं फोन चला रहा हूँ तो बाबू ने एकदम इतनी तेज पा दो
सारी छीट नीचे के ऊपर लेटरिंग देगी अब टी शर्ट पे। मम्मी भाई मजा आ गया यार, निशी तेरी कसम मजा आ गया। लड़की थी जो बहुत घिन करती थी हर चीज, मतलब कि छी ये वो, तो आज देख ला अपना बच्चा इतना प्यारा लगे, आज ये टट्टी से भी घिन न कर रही, इसके पैर पे मुंह पे तो हटा ली। तो अपने बच्चे के मैं आगे पैरों की मालिश करने लग गई। बाल एक के तो टाइम हो रहा है, एक चार हो रहा है, पर मैंने सोची कर दू सो जाएगी आराम से, क्योंकि पूरा दिन बच्चा बेड पे थक जाएगा, पर याने मेरे मुंह पे। तो अपने बच्चे इतने प्यारे लगते हैं, देखो गाइस जय बाबा की। नो नो बढ़िया करो, मगर पापा के साथ मत करियो आज के बाद, ऐसे मम्मी के साथ करती रही। ये लो चलो बाय बाय। हेलो गाइस, तो राम राम, और सब कैसे हो? भाभी सो को उठाया मेरे यार, और एक कॉम याद आ गया मुझे थोड़ा, बेस टू खराब हो रही गाड़ी की, तो उस दिन मैं गाड़ी में कॉम करवाने गया, तो उस दिन डाली आया उसे, अब तो होगी होगी, उस दिन से टाइम नहीं मिला, अब जा रहा हूँ। बस आज वो आ रहा हूँ, अपने दोस्त की बात देख रहा हूँ, फिर आते ही फिर जा रहा हूँ, और व्लॉग का एंड करेंगे जब। आज इस व्लॉग में अपनी इनकम बताएंगे आपको, क्या क्या कमाते हैं हम इंस्टाग्राम और यूट्यूब से। तो चलो भाई बाय बाय, राम राम, जय बाबा की। और रोड बन गया हमारे गांव को, देखो बढ़िया वाला तरीके वाला। चलो तो भाई, तो गाइस गांव के रोड देखो क्या टॉप बना हमारा, छोड़ा हुआ रास्ता, लाइटिंग वाइटिंग तो ओके की रिपोर्ट हो गई एकदम, और इंगे खेत है सारे, बिटोड़ा दिख रहा होगा तो मैं बिटोड़ा, अब गेहूँ बो रही है सोम में, तो मैं जा रहा हूँ भौरण की सर्विस करवाना, बेस टूप तो हुई ना यार, उसने करी ना, करी के करवा के लाया, पता ना हुई ना, अब दोबारा जाएगी बनने, बेस टूप में पता ना क्या दिक्कत आ रही है, तो अब हॉर्न करवाना जा रहा हूँ हॉर्न की सर्विस, क्योंकि एक हॉर्न बज रहा है एक ना बज रहा, आज सोच रहा हूँ सारे गाड़ी के काम करवा दूँ। चलो तो गाइस चलते हैं, फिर हॉर्न करवाना फिर दिखाते हैं। जय बाबा। हेलो भाई, तो हॉर्न की सर्विस हो गई है, बहुत टाइम लग गया, ढाई घंटा हो गए सर्विस होते हुए। आप अपनी टायर डालोगे ना इसमें जोड़ दे देना, ये खोलना मत ही कुछ, समझ गए? मैंने ये कर दिया। और इन चाचा की दुकान है, चंद्रावड़ गांव है ना, इसके गोड़ चौराहे पे इनकी दुकान है, किसी रूट्स के हॉर्न की सर्विस करवानी है, तो मेरे चाचा जी वो सर्विस करवा जाओ, बढ़िया सर्विस करके देंगे। जय बाबा की, बहुत टाइम लग रहा है भाई, अब फिटिंग हो रही है इसमें, रिले नहीं तो रिले भी लगवाइए इसमें, नहीं बस 10 मिनट और लगेंगे मुश्किल से, फिर हॉर्न फिर चलते हैं भाई, बहुत टाइम लग रहा, भूख और लग रही है, और पेट में बंदर चल रही है। और जिस भाई सर्विस करवानी है, चंद्रावड़ गांव के चौराहे पे है सर्विस वाला, यहाँ जा टम्पू खड़ा। तो भाई अब फिटिंग हो रही है इसमें, रिले नहीं तो रिले भी लगवाइए इसमें, नहीं बस 10 मिनट और लगेंगे मुश्किल से, फिर हॉर्न फिर चलते हैं भाई, बहुत टाइम लग रहा, भूख और लग रही है, और पेट में बंदर चल रही है। और जिस भाई सर्विस करवानी है, चंद्रावड़ गांव के चौराहे पे है सर्विस वाला, यहाँ जा टम्पू खड़ा। इसमें आ गया हूँ घर, और बाबू मैंने जैसे बाबू आके मैंने बाबू ली, और बाबू ने मेरे ऊपर टॉयलेट कर दिया एकदम, सेवन कर दिया आते ही, सुबह से तो मैं बाहर हूँ, और भूख बहुत तेज लग रही है, अब देखता हूँ कुछ खाने को, क्योंकि मैंने कुछ खाया ना जब से गया हूँ, जूस वूस पीता हूँ, रोटी रोटी है भी है सब्जी आलू, चलो तो रोटी खाते यार रोटी। हाँ बाबू रो रही है। जय बाबा जी।
तो गाइस बड़ा मलूक लग रही नहीं सी हम तो देखिए ऐसा शो का तो मलूक लग रही है देख कितने मलूक पा रहा था देख देख है ना। तो गाइस ब्लॉग डलाना दो दिन हो गए हैं और इसी के साथ ब्लॉग का एंड करेंगे मगर कुछ बताना चाहते हैं और वो बताए कि प्रेरणा निशी बता निशी बताओ ना वही जो लोग पूछना चाहते हैं। सरकारी आप लोगों के बहुत सारे कमेंट होते हैं कि आपकी अर्निंग कितनी है सोशल मीडिया की थी सो कमी की सोशल मीडिया अर्निंग है जिनके आपकी फोन है उसकी 5.12 और मेरी सोशल मीडिया अर्निंग है इतनी मैं बताता हूँ इसकी है मतलब कि एक बुलेट आ जाएगी स्टैंडर्ड वाली है जो और एक 12 प्रो मैक्स हाँ एक बुलेट और एक 12 प्रो मैक्स मेरी थोड़ी कम है कोई बात ना बढ़ जाएगी अभी मगर मेरी इसकी एक ही बात है यार ऐसा कुछ ना हो सब एक दोहरे रह गए बाकी मेहनत करते रहेंगे तो अर्निंग भी ठीक हो जाएगी कोई दिक्कत ना हो बस तुम्हारा सपोर्ट चाहिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहो यार और मैं 3-4 दिन हो गए जिम भी न गया हूँ क्योंकि ये टैटू बनवाए थे ना तो उन्होंने मना करा था ये फट जाएंगे टैटू अगर जिम करोगे तो बीच में एक दिन चला गया तो दिक्कत हो गई थी और इसलिए मैं अब जान रहा हूँ मैं सोच रहा हूँ अब चला जाऊँगा जिम ले भैया और दिखा लगी भाई नौ जा रहे भाई इनके लोग आई एल पे जो तो गए लॉक दिखा लगे जब हम दिखा रहे हैं ना जब ठीक रह रहे हैं देखे जी अपन ने दिखा दिया नहीं चलो तो भाई इसी के साथ करते हैं व्लॉग का एंड जय बाबा की सपोर्ट करते रहो प्रेरणा व्लॉग्स का चैनल और पम्मी प्रेरणा व्लॉग हमारे दो चैनल है तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब करते रहो और सपोर्ट करते रहो और इंस्टाग्राम पे इसके दिक्कत आ रही है आईडी पे तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरणा वाली आईडी पे स्टोरी लगाओ इसकी प्रेरणा 06 आईडी का आईडी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ स्टोरी जो इसकी आईडी ठीक हो जावे बहुत दिन से फॉलोवर रुके पड़े हैं मगर रिक्वेस्ट आती रहे मगर फॉलोवर रुके पड़े हैं पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है मेरे तो कोई दिक्कत ना मेरे तो 100-200 बढ़ती रह रहे हैं तो चलो बाय बाय रोम रोम मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ जय बाबा।